अस्सलाम वालेकुम जियोलर्न के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। जैसा कि हमने आपको इससे पहले ये बताया था कि किस तरीके से आपने जियोलर्न की मोबाइल एप्लीकेशन पर LMS को यूज़ करना है, तो आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर जियोलर्न LMS को किस तरीके से यूज़ करें। तो देखिए ये वीडियो। सबसे पहले आपने जियोलर्न की वेबसाइट jiolearnlms.com ओपन कर दी। जैसे आप ये ओपन करेंगे तो एक्सट्रीम राइट पर ऊपर आपको लॉगिन का ऑप्शन नजर आएगा, उधर आपने क्लिक करना है और यहाँ आपने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस होंगे जिनका आपने आंसर देना है। जैसे ही आप सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर देंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। लेफ्ट पर आपकी डिटेल्स आएंगी, ऊपर आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें माइक्रोसिस, माइक्विजेस, असाइनमेंट्स और रिपोर्ट्स होंगे। हम बारी बारी इन तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। इधर नीचे आपके पास माय सब्जेक्ट्स आ रहे होंगे, यहाँ आप ऐड न्यू सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। जबकि जो सब्जेक्ट आपने ऐड किए हुए हैं नीचे, वो इन डिटेल आपके पास फुल एक्स्ट्रास के साथ आ रहे हैं। जैसे ही हमने बायोलॉजी सेलेक्ट किया तो आपके सामने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम चैप्टर्स आएंगे। अब आप किसी भी चैप्टर पर क्लिक करें तो आपके सामने इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें लेफ्ट साइड पे आपके सामने टॉपिक्स होंगे उस चैप्टर से रिलेटेड, जबकि सेंटर में आपके पास एक वीडियो होगी जो पूरा लेक्चर होगा। नीचे अगर हम देखें तो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे अभी हमने एक टॉपिक ओपन किया था और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपको यहाँ इन डिटेल, उनकी वीडियो भी मौजूद है शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ। यहाँ वीडियो के नीचे आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे जिनमें ग्रुप लर्निंग, आस्क क्वेश्चन, व्यू क्वेश्चंस और सजेशंस हैं। आप आस्क क्वेश्चन पे क्लिक करके अपने टीचर से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर वो सवाल आपने किसी वर्ड फाइल पे लिखा है तो आप वो वर्ड फाइल पर लिख के यहाँ अपलोड भी कर सकते हैं। जब आप व्यू क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी सवाल आपने पूछे उनके जवाब यहाँ आपको नजर आएंगे। उसके साथ जो पहला ऑप्शन है ग्रुप लर्निंग का, ग्रुप लर्निंग में ये एक फॉरम है, मतलब आप यहाँ अपना कोई भी सवाल लिख सकते हैं और दूसरे स्टूडेंट्स जिन्होंने उससे रिलेटेड भी कोई सवाल पूछे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं और उनके आंसर्स हमारे एक्सपर्ट टीचर्स देंगे। इन द एंड आपके पास सजेशन बॉक्स भी। सजेशन बॉक्स में आप इस टॉपिक से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी सजेशन आपके माइंड में है तो वो सजेशन आप हमें दे सकते हैं। इसके साथ हम और देखें तो नीचे कंटेंट में, ये कंटेंट में हमारे नोट्स हैं, ऑनलाइन नोट्स। जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि जियोलर्न आपका खर्चा बचाता है, तो यहाँ आपकी किताबों का जो खर्चा है वो बचता है क्योंकि यहाँ आपको ऑनलाइन नोट्स मिलेंगे। नोट्स के साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जैसे हमने आपको पहले भी डिस्कस किए, उसके साथ क्विज है, यहाँ आप अपना क्विज सेलेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। जब आप इस क्विज पर करेंगे तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्विज हैं जो आगे आपके किसी पेपर में आए या किसी टेस्ट में आए वो आपको यहाँ मिलेंगे और आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं और इन द एंड आपने अपना सबमिट आंसर पर करके एंड में टेस्ट कर देना है। और बिल्कुल एंड में जब आप ये टेस्ट एंड कर देंगे तो आपको उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आएगी। बिल्कुल एंड में आपके पास यहाँ एक ग्राफ है, ये ग्राफ आपका परफॉर्मेंस ग्राफ है उस टॉपिक से रिलेटेड। अब हम दोबारा अपने मेन पेज पर आते हैं। हमने यहाँ माय सब्जेक्ट्स और माय क्विज़ेस देख लिए, अब हम माय असाइनमेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं। आप माय असाइनमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो जितने भी सब्जेक्ट्स में आप एनरोल हैं उनकी असाइनमेंट्स आपको यहाँ शो हो। जैसे हमारे सामने डिफरेंट टॉपिक्स की असाइनमेंट हमें यहाँ नजर आ रही है, हम किसी पे भी क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास असाइनमेंट होगी जिसमें हमारे पास पहले MCQs होंगे और उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे। हमने वो असाइनमेंट खुद से अटेम्प्ट करनी है, एक वर्ड की फाइल उसके बाद यहाँ अपलोड करनी है।
और जब आप अपनी असाइनमेंट अपलोड कर देंगे तो एंड में आपने सबमिट बाय असाइनमेंट पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी और हमारे जो टीचर्स हैं दे आर बाउंड कि वो आपकी असाइनमेंट सही से चेक करें और आपको आपकी असेसमेंट दें। माय क्विजेस को हम देखते हैं, अभी हमने कोई क्विज अटेम्प्ट किया नहीं है इसमें, इसलिए हमारे पास कोई क्विज आ नहीं रहा। अगर हमारे पास कोई क्विज हमने अटेम्प्ट करना हो किया होगा तो क्विज हमारे पास इधर आ जाएगा। उसके बाद एंड पे हमारे पास रिपोर्ट्स का ऑप्शन है। ये रिपोर्ट बेसिकली हमारी परफॉर्मेंस है कि हमने कितने लेक्चर्स ले लिए हैं, किस सब्जेक्ट को हमने कितना टाइम दिया है, ये तमाम चीजें आपको इन रिपोर्ट्स में मिलेंगी। और यह आपका असाइनमेंट कैलेंडर है, इसमें आपको बता देंगे कि आपकी असाइनमेंट नेक्स्ट असाइनमेंट जो है कमिंग असाइनमेंट वो किस डेट को है, उसकी डेडलाइन क्या है। अगर आपने कोई मजीद नए सब्जेक्ट भी बाय करने हैं तो आप बाय सब्जेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं, या आपके पास पूरे कोर्सेज भी हैं और उसके अलावा आप अलहदा सब्जेक्ट भी बाय कर सकते हैं। अगर आपने बाय करने का तरीका भी आपको बताएं, आपने जो भी कोर्स सेलेक्ट करना है आप ऐड बंडल टू कार्ड करें, उसके बाद चेक टू प्रोसीड पे जाएं। आगे यहाँ आप फर्स्ट ईयर का आपको कोर्स हम खरीद रहे हैं तो आपने पे फास्ट चेकआउट करना है और यहाँ आपने पेमेंट करनी है। इस तरीके से आपको जो आपका डिजायर्ड कोर्स है उसकी भी फुल एक्सेस मिल जाएगी। अब अक्सर स्टूडेंट्स का एक सवाल ये भी होता है कि हमें नोट्स तो मिल जाते हैं, हमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, बट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे मैथ्स हो गया और फिजिक्स हो गया, उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो हम आपको फिजिक्स का भी सब्जेक्ट दिखाते हैं कि फिजिक्स का डाटा हमारे पास किस तरीके से अवेलेबल है। हम फिजिक्स पर जाते हैं, यहाँ से कोई भी हमने जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक सेलेक्ट किया। अब यहाँ हमारे पास नीचे डिफरेंट ऑप्शन है, कंटेंट है जिसमें आपके नोट्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और फिर न्यूमेरिकल्स हैं। अब जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो यहाँ हमारे पास न्यूमेरिकल बाकायदा सॉल्व करके भी बताए हुए हैं और न्यूमेरिकल का टेक्स्ट भी हमारे पास गिवन है। तो यानी फिजिक्स और मैथ्स का हम न्यूमेरिकल भी इजीली देख सकते हैं यहाँ। आई होप कि इस ट्यूटोरियल वीडियो से आपके जितने भी मिसकॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। तो अब आप भी यूलर्न के साथ रजिस्टर करें और अपने एफएससी की तैयारी करें यूलर्न के साथ घर बैठे। यूलर्न, चल पड़ो कामयाबी को जाने।